हाँ जा योगी शेर है, मैं कहता हूँ योगी वाह 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 क्या तारीफ। भैया मेरी बात सुनो, मैंने अतीक अहमद सुना नहीं सुना, मैं ये जानता हूँ मैं अगर अपने घर पे कोई गलत काम कर रहा हूँ, पुलिस मेरे को अगर उसकी नजर में आ गया हूँ, वो मेरे को मेरी पीढ़ी को नहीं छोड़ेगी। वो अभी गोलियां चल रही उत्तर प्रदेश, चलने दो भैया गोली मेरी, जो क्राइम करेगा मैं क्राइम करूंगा भैया, मेरे ऊपर भी होगा, कोई भी होगा। गोली चल रही है भैया, मोदी योगी के पहले बम फूटते थे, अभी गोली चल रही है, योगी के पहले बम फूटते थे। अखिलेश यादव कह रहे हैं पुलिस जो गुंडा तरीके से मार रही है, नहीं नहीं कुछ नहीं मार रही है, जो गलत कर रहे हैं उनको मार रही है। आपको मेरी बात, अब बम क्यों नहीं फूट रहा, पहले कभी जम्मू में फट जाता था, कभी दिल्ली में, यहाँ खड़े थे यहाँ भी डर लगा रहता था, अरे भागो भागो भागो, अभी कोई रेडी पटरी वाला पटरी लगाता था, ओए चल टेबल हटाया यहाँ से, इसके नीचे बम है, भागो यहाँ से, मैं तो कहीं से कुछ कचरा भी निकल आता था, बम है इसके अंदर। अब कभी सुना है आपने, अब आप कितने सारे खड़े हो, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अरे भैया जो अच्छा होता है उसको हर कोई बुरा बोलता है, अब भगवान को भी नहीं छोड़ा, ये तो मोदी है, भगवान को भी नहीं छोड़ा किसी ने, जो भगवान को नहीं छोड़ा। सुनिए तो जो राहुल गांधी कह रहे हैं या विपक्ष पूरा कह रहा है कि 2024 में 100 सीट पे भाजपा को समेट, मैं कह रहा हूँ मेरी बात सुनो, जब तक अगर मोदी है तब तक तो कोई इसको रोक नहीं सकता, आगे हम बोल नहीं सकते किसी को 2024 में, तो मेरी बात सुनो, कोई टाइम ऐसा आएगा मोदी खुद गद्दी छोड़ेगा, जाओ मैंने गद्दी तुम्हारे को छोड़ दी, अब लोग उसको तरसेंगे कि ये गद्दी पे बैठे, ये भी ध्यान रखना, आप भी पत्रकार हो भाई, वो काम ऐसा कर रहा है देश हित के लिए कर रहा है, कोई भी हो। यहाँ पे देखो हम पाकिस्तान के अंदर जा रहे हैं, कितनी बेरोजगारी है वहाँ पे, आटा आटा मिल नहीं रहा, कितने बेचारे परेशान हो पड़े हैं, तो हमारे भाई है ना, आज हम ये नहीं जानते पाकिस्तान हो कोई भी हो, है हमारे सारे भाई, हम कोई जात पात नहीं मानते, हमारे लिए सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई है। तो अभी पहले कहा जाता था कि इंडिया पाकिस्तान जैसा हो जाएगा, श्रीलंका जैसा हो जाएगा, बोलने दो किसी को क्या बोलना, हिंदुस्तान है 140-133-134 करोड़ की आबादी हो रही है, अरे जहाँ 25-30 करोड़ की आबादी नहीं संभाली जा रही पाकिस्तान के अंदर, अब योगी अकेला संभाल रहे 25-30 करोड़ की आबादी, तुम इसकी बात कर रहे हो, बात तो ये आ जाती है जो अच्छा काम करता है उसको हर कोई बुरा बोलता है, लेकिन जो अब ये भाव जी हैं, अभी मैं वहाँ से गया हूँ मार्केट में, हर कोई कमा रहा है, कर मंदा है, मंदा कहेगा भाई, अब होली निकल गई है, कारीगर चले गए, मंदा ही बढ़ना है, जब तुम्हारे पास माल नहीं होगा बेचने के लिए मंदा का, जब तुम्हारे पास वैरायटी होगी सीजन होगा तुम्हारे पास सामान लेने जाएगा, तब तुम्हारे पास माल नहीं निकलेगा, यहाँ पे मंदा की चीज़ का मेरे को बताओ। अभी तुम ये गुरुद्वारे में जाओ, यहाँ पे 24 घंटे लंगर लगा हुआ है, अभी मस्जिद में जाओ वहाँ पे हाथ पहला कहीं कहीं भी खड़े हो जाओ वहाँ भी तुम्हें रोटी मिलेगा, मंदिर चले जाओ वहाँ भी रोटी मिलेगा, तो किस चीज़ की दिक्कत है, काहे का परेशानी है अभी विपक्ष को, रोटी पानी अच्छा खा रहे हैं ना, किस चीज़ की दिक्कत परेशानी है, रोटी पानी नहीं मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है मालिक, अभी मेरे को बोले, अभी मेरे को कोई बोले कि यहाँ पे खड़े खड़े मैं 500 रुपये कमा के दिखाता हूँ इन्हीं बंदों के अंदर, बोलो अभी मैं अभी हुनर है इतना, मैं सच्चाई बता रहा हूँ आपको, बेचने का हुनर वाला इतना है, फिर भी कैसे कहा जा रहा है जी हिंदुस्तान का युवा बेकार है, वो बेकार वही जिसने भैया काम नहीं करना, अब मैं मेहनत नहीं करूंगा मैं कमाऊंगा कहाँ से, मैं भी सुबह का निकला हूँ अपने बाल बच्चों के लिए निकला हूँ, अगर मैं मेहनत करूंगा तो मुझे कोई जिंदगी में कोई रोक ही नहीं सकता, कमाई योगी छोड़ के मैं खुद योगी बन सकता हूँ अगर मैं चाहूँ तो, क्यों, क्योंकि लोग कहते हैं कि अच्छे को कोई नहीं जीने देता, वो बेचारा काम अच्छा कर रहे हैं उसके मन में ये है, योगी कोई ऐसे पैदा नहीं होता, भगवान ही पैदा करके लाते हैं, योगी मोदी आ जाए ये मर जाने हैं, कल को दूसरे आने हैं, अच्छा जी, लेकिन ये याद रह जानी है, जैसे आज याद करते हैं ना, आज बंदों को आज मान लो अब्दुल कलाम है ना, जैसे आज अब्दुल कलाम को हम मैं हिंदू हूँ वो मुसलमान है, लेकिन मैं उसको ना उसकी पीढ़ी को हजारों बार सलूट करूंगा मैं अब्दुल कलाम को, ना वैसा बंदा हुआ ना कभी होगा, एहसान मंद है उसके, हम मैं हिंदू हूँ वो मुसलमान है, लेकिन नहीं नहीं भाई साहब फिर भी होती है बात, लोग कहते हैं ये विपक्ष बोलता है वो विपक्ष बोलता है, लेकिन मेरा भाई है मुसलमान वो, लेकिन हमारे लिए सोचा ना, फिर ये की बोलता है यहाँ पे कुछ है नहीं है, वो भी हमारे मुसलमान भाई ने करा ना, वो हमारे ठीक है, बोलते भाई साहब नहीं बोलते आप, बताइए आपसे बात करें, बदनाम करते हैं, अच्छा हमारा नहीं है, अच्छा मैं एक चीज आपसे, अगर मैं जानबूझ के पार्टी वाले लोग मुसलमानों को बदनाम करें, मुसलमान हमारे देश का बहुत अच्छा है, मेरा लिंक है ना भाई साहब, मेरी बात सुनो, मेरी बात ध्यान से सुनो, मेरा जो लिंक है ना सारे मुसलमानों भाइयों से मेरा लिंक है, हम कोई भी बिजनेस करते हैं 10 रुपए कमाते हैं 50 रुपए कमाते हैं, हमारा वहीं पे उठना बैठना खाना पीना सब हम एक है, कोई मेरे को पोल के दिखाए कोई, तो राहुल गांधी कह तो रहे हैं आप लोग, बोलने दो भैया, वो बाहर चला जाता है उसको बोलना, उसको घूमने नहीं जाना, उसको बाहर कोई घूमने में उसकी बात कौन सुनेगा, वहाँ बाहर जाके राहुल गांधी पूरे देश में प्रचार कर रहे हैं कि हिंदू मुसलमान साथ नहीं बैठ रहे, सब इकट्ठे हैं भाई, अभी मेरे से बात करो, ये मेरे कहाँ है मेरे यहाँ पे मुसलमान भाई, ये मेरे मुसलमान भाई, आप मुसलमान हो आपको कोई दिक्कत है, मैं हिंदू हूँ
ये ईसाई है, कोई है, किसी को दिक्कत है, कोई नहीं, अपनी रोजी रोटी कमा के खा रहे। अच्छा मैं अब आपको थोड़ा सा अलग सवाल पूछूंगा, उत्तर प्रदेश का सवाल पूछूंगा। योगी आदित्यनाथ ने अभी अतीक अहमद के 2-3 करीबियों का एनकाउंटर हुआ उत्तर प्रदेश में, अखिलेश यादव कह रहे हैं गलत हो रहा है। ऐसे देखो उन्होंने पता नहीं कितनों का एनकाउंटर किया, अतीक वगैरह सब ने, उनके परिवार ने, अगर उनका उनका एनकाउंटर हो रहा है तो क्यों गलत क्या हो रहा है? उनकी पार्टी के आदमी है इसलिए क्या नहीं गलत हो रहा है? अब देखा जाए तो इनकी है पार्टी के आदमी है ना, हाँ पार्टी के लोग हैं, अखिलेश की मुलायम सिंह की पार्टी के लोग हैं जो जो आज इनके ऊपर हो रहा है। और ये इनके ऊपर इसलिए हो रहा है क्योंकि अब वो पहले पार्टी में थे, अखिलेश की सरकार थी, उनका सपोर्ट था, अब वो बेचारे हार गए, अब ये हो गए सारा बेसहारा हो गए, अब ये बेचारों के आ गया नंबर आ गया। हाजी साहब उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर हो रहा है, तो इन्हीं के आदमी हैं। होने दो अखिलेश यादव कह रहे गलत हो रहा है, वो तो कहेंगे गलत हो रहा है भाई, उनके बंदे मारोगे तो गलत ही होगा ना, उनके बंदे मारोगे तो गलत नहीं होगा, ये सारे पहले उसी पार्टी में तो थे तो उनके बंदे मारोगे तो गलत अपने आप हो गया। अतीक अहमद के करीबियों का एनकाउंटर हुआ, उसके बाद कह रहे हैं जी गुंडई हो रही है सरेआम, बुलडोजर सड़क पे चल रहा है, गोलियां चल रही है। कोई गुंडई नहीं है, देखिए एक आदमी किसी का भी प्लॉट कब्जे में करके कोठी बना ले, वो गिरा दो तो क्या बुराई है, चला के मार रहे लोगों, किसी को जाते हुए बेमतलब कत्ल कर दो फिर उसको लूट लो वो ठीक है भाई, है अगर इनको कब मार दिया तो वो गलत हो गया, ये कैसे मतलब हो गया, ये तो ये कोई गुंडाई नहीं है, ये बिल्कुल सही हो रहा है। अच्छा, अतीक अहमद या जितने भी माफिया हैं, आप एक बात बताओ वो क्या नाम है आजम खान, उसने यूनिवर्सिटी बना दी थी ठीक है, सबकी जमीनें कब्जा कर ली उसने, क्यों कर ली भाई, और एक पैसा नहीं दिया बंदे ने किसी को भी, उसमें सारे हिंदुओं की कोई जमीन नहीं थी, सब मुसलमानों की थी, मगर सबकी जमीन कब्जे में कर ली, अगर गवर्नमेंट उसकी यूनिवर्सिटी गिरा दी तो क्या बुरा किया, कह रहे हैं भाई अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो जा रहा है, अल्पसंख्यकों पर अत्याचार है, कोई अत्याचार नहीं है, अल्पसंख्यक तो बच्चों आज तक हिंदुओं पे अत्याचार करते हैं, कश्मीर में सारे मार दिए हैं, और यहाँ पे भी अगर शरेआम कहते हैं, अच्छा जी सिर कत्ल कर देंगे, बात करता हूँ भाई साहब, उत्तर प्रदेश में अतीक अहमद का मामला सुना है आपने? सर सुना तो है, क्या सही हो रहा है गलत हो रहा है? जो भी हो रहा है सही हो रहा है। अच्छा अखिलेश यादव कह रहे हैं सरेआम ऐसे गोली तो नहीं मारनी चाहिए भाई, सर ऐसा है जो गलत करेगा उसके साथ गलती होनी चाहिए, मेन बात ये है सर और कुछ नहीं है, हाँ। जिसने गलत करा उसके साथ गलती होनी चाहिए, हाँ। तो ऐसे ही गोली चलेगी सर, जो गलत मैंने आपसे क्या बोला सर, मैंने ये बोला जो गलत करेगा वो गलत भरेगा और भरना चाहिए कोई भी हो सी। अच्छा जी सर, अच्छा जो उत्तर प्रदेश में माफिया से 10-15 साल पहले सक्रिय था, अब क्या उसमें कमजोरी नजर आती है कि आम लोग सुरक्षित? सही है, बहुत कमजोरी नजर आती है जी, आम इंसान थोड़ा राहत में है, बहुत बढ़िया बता रहे मेरे ग्राउंड में व्यक्तिगत रूप से मैंने कहीं नहीं देखा कि पैदल गया हो, हाँ। खाली टीवी में देखा कि भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, स्कैम था क्या ये? हो सकता है ये फिल्म शूट करके फिल्म शूट वही हो रहा है भाई, क्या हो रहा है ये चीज़ हो रही है, फिल्म शूट करा के दिखा दिया, थोड़ा चल गए 100-200 मीटर चल गए, दिखा दिया कि हम चल गए, कहाँ गए हो, मतलब किसने ऐसे देखा कि इतना किलोमीटर चला, 3500 किलोमीटर कम होता है, कितने दिन से चल रही है यात्रा, इसके बारे में आपके पास सबके दम पे वो कहते हैं जी मोदी को 100 पे समेट देंगे हम, ना ना ये उनकी गलतफहमी है, ऐसा नहीं कर सकते हो, जो नरेंद्र मोदी जी हैं वो व्यक्तिगत फ़ायदा नहीं देते किसी को, लेकिन देश का सोचते हैं, सबको साथ लेके चलते हैं, उसमें उन लोगों को दिक्कत आती है जो लोग ये सोचते हैं कि उन्हें व्यक्तिगत फ़ायदा मिले, और व्यक्तिगत फ़ायदे से अच्छा पूरा देश का नहीं सोचा गया, आज से पहले जो गवर्नमेंट है उसने क्या सबके बारे में नहीं सोचा, चाहे हिंदू के लिए चाहे मुसलमान के लिए सिख के लिए चाहे ईसाई के लिए, अगर वो पीएम है तो पूरी कंट्री का है, हमारा है, आज अगर मोदी साहब है तो हमारे हैं सबके हैं, तो क्या पहले सरकार ने क्या किसी ने नहीं करा, कर मोदी साहब ये करते हैं तो पहले वाले का झाड़ू लगा के चले जाते थे, तो भाई साहब आज के टाइम में आपके टाइम में फर्क भी तो हो गया ना, आज इंटरनेट इतना वास्ट हो गया, अब यहाँ पे पूरे वर्ल्ड में भी फैल जाएगा, किसने किया टेक्नोलॉजी, टाइम टेक्नोलॉजी कौन लाया देश में, मेरी बात आज ये बताओ टेक्नोलॉजी लाया कौन है देश में, पहले भी तो ये सोचो 5 साल पहले भी हमारा देश था ठीक है, और हर सरकार कहती थी हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं हम अपने देश को ऐसा चमका देंगे, बट आज की डेट में मैं बोल रही हूँ टेक्नोलॉजी हमारे देश में लाया कौन है, तो मैडम एक चीज बताइए, किसी टाइम पे 1G चला, 2G चला, 3G चला, 4G, अब क्या पता आने वाले वक्त अगर चलो मोदी साहब रहे वधिया नहीं है तब भी बढ़िया, तो क्या आगे 10G तक नहीं आएगी स्पीड, आएगा ना, लेकिन समय लगेगा उसमें, ये गवर्नमेंट जल्दी लाएगी, और ये कंप्यूटर मोदी जी की गवर्नमेंट जल्दी लाएगी, कंप्यूटर किसके पीरियड में आया था,
राजीव गांधी के टाइम पे, इंटरनेट किसके टाइम पे आया था, तो हर चीज के टाइम हम छोटे छोटे होते थे हमें याद है। एक मिनट मेरे को ये बात करो, एक मिनट मैं बोल के चला जाऊंगा फिर अब तुम। हम छोटे होते थे हमें याद है कि पहले रिंग वाले फोन होते थे हुआ करते थे, ठीक है। अगर एक मोबाइल होता था पूरे घर में बंदे को एक मोबाइल जितने जाना वो मोबाइल यूज करता था। आज हर बंदे के पास दो दो मोबाइल है या दो दो तीन तीन नंबर है, तो यही तो है कि नहीं है। यही तो हम आपको समझाना चाहते हैं कि जो आज गरीबों के हाथ में भी मोबाइल है, यहाँ तक कि उत्तराखंड की जो घास काटने वाली लेडीज है ना, आप वहाँ जाकर देखोगे तो आज उनके हाथ में भी मोबाइल है, वो अपने शहर में रहने वाले बच्चों से आराम से बात कर सकती है। क्यों? क्योंकि मोदी जी के प्रताप, हम तो ये मानते हैं। मैं बताऊं जो काम मैं बता देती हूँ, जो काम 10 साल बाद होता वो हमें 10 साल पहले मिल गया, तो किसकी वजह से? अगर जो बंदा गलत क्राइम करेगा जैसा करेगा वैसे भरेगा, ठीक है जी। और बाकी एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि यूपी हो, महाराष्ट्र हो, कोलकाता हो, हैदराबाद हो, दिल्ली हो, क्राइम कभी नहीं खत्म होगा यहाँ पे। उत्तर प्रदेश में कम नहीं होता हुआ नजर। मैं आपको बता रहा हूँ, आज की डेट में 12 1 बजे के बाद चले जाओ, आज भी आपकी डेट में तमंचा लगा के आपसे जो है छीन ले जाएगा। कहाँ पर बात? मैं कहीं भी बोल सकता हूँ। कहाँ पर? यूपी के अंदर ले लो, भाई साहब जिला क्या बता, यूपी के अंदर कहीं ले लो, नोएडा ले लो, गुजरात का रहने वाला आप रहने वाले हो, कहीं की भी रहने वाले हो। मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं बोलता, मैं आपको बता रहा हूँ जो बात, जो मैं चीज सोचता हूँ देखता हूँ। आज भी लोग रात में निकलते हैं, मेरे ऐसे बंदे भी निकलते हैं तो फोन जेब में रखे कि ध्यान होता है चलते हैं, अगर आगे पीछे स्टैंड इतनी दूर है, गाड़ी आनी है, जेब में हाथ रखकर चलते रहो, बंदा कोई कुछ छीन ना ले, बंदे के डर आज भी दिल में है। अच्छा देखो जी, मोदी जी योगी जी अपना काम बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, डर कभी खत्म नहीं। उनके पास उन्होंने आप जैसे इन जैसे लोगों को बोल रखा है जी ऐसे करना है, ऐसे करना है, बढ़िया करना है, और एक बंदा इतने लोगों के पीछे नहीं भागेगा, ये चीज चलती रहेगी भैया। अच्छा, अतीक अहमद वाला मामला सुना है आपने? ब्रदर मैं इससे कुछ नहीं कहना चाहूंगा, क्राइम हो गया, बेरोजगारी, भाई सबने सही बात कही है, काम नहीं करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा आपको। काम करोगे तो को मिल रहा है ना भाई? मिल रहा है, सबको मिल रहा है। मैं भी मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। अगर मैं आज फ्री बैठ गया हूँ तो मेरी जेब में पैसे नहीं है, कल काम करूंगा तो मेरी जेब में पैसे आएंगे, है ना। बस यही चीज कहना चाहता हूँ।